हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज 13 तारीख हो गया है और सुबह से मैं काम में इतना बिजी थी, पूछिए जिन बताई देते हैं। तो गाइस, जैसे कि कल हम लोग को जाना है, गांव जाना है, 14 तारीख है और जा रहे हैं। वैसे पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है और मैं क्या ले जा रही हूँ। हाँ बता, चुका है वो भी, पापा का पैकिंग नहीं हुआ है। और इसे नहा कर उठ गया है, इसका बाल कटवाना है, सब नहा लिए हैं, आज संडे था, सोनाक्षी भी नहा ली है, इसका भी बाल कटवाना है। इसका बाल देख रहे हो गाइस, देख रहे पीछे घूमना, देखिए इसका बाल पीछे से नहीं कटाएंगे आगे से। हाँ, तो नहा धो लिए हैं। और जैसे कि जब हम लोग गांव चले जाते हैं, गांव से आते हैं, बहुत सारा हमारा घर गंदा हो जाता है, तो इस बार हम अच्छे से रख रहे हैं सारा सामान, कैसे रखना कैसे नहीं रखना है सब कुछ सामान हमने। हाँ बोलो, ऋषभ गाड़ी फ्लिपकार्ट पे गाड़ी देख रहा है, देखिए कितने का है, देखिए कितने का है, देखिए बाप रे, 10,849 रुपए गाड़ी लेगा, देख रहे हैं गाइस। और इसके बाद नहा धो लिए, सारा काम हो गया है, पानी नहीं था, पानी जब आया तो मैं 4 दिन का कपड़ा रखे थे, कपड़ा हमें इकट्ठा धोती हूँ मशीन में, डेली नहीं धोती हूँ। हाँ ये क्या कर ली, ये क्या की हो? और गाइस क्या बोलते हैं, सब कुछ एकदम साफ सफाई हो गया, जैसे कि हम यहाँ जो बाहर सामान रखते थे ये सब सामान अंदर रख दिए हैं, देख सकते हैं एकदम खाली कर दिए, पर्दे का ये सब उखाड़ के रख दिए, क्योंकि जब अगली बार हम पर्दा छोड़ के गए थे ना तो वो कबूतरों ने पूरा पर्दे पे हर जगह लाइटिंग कर दिया था, तो सब कुछ अच्छे से सामान वामान रख दिए अंदर। और बस कपड़ा धुल के टांगा है, उसको उतारना है और उसको फोल्ड करके रखेंगे। इस बार तो बाबा हम रिक्स नहीं लेंगे, अपना घर द्वार एकदम वॉशिंग मशीन भी अंदर ही रख के जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन पे भी ना कबूतर यहाँ घोंसला वगैरह बना लेते हैं और लाइटिंग वगैरह कर देते हैं, और जो वहाँ बाबा का मतलब ये सब का ये साइकिल वगैरह है ये तो यहीं रखेंगे, जो बोरी में कपड़ा रखा है फालतू उसको थोड़ा अंदर करके रखेंगे। और पर्दे सर्दे सब उखाड़ के धुल गया है, बस सामान भी अच्छे से रखना है, धूप बहुत कड़ी है। और यहाँ देख सकते रूम एकदम मेंटेन हो गया है सब। और सोनाक्षी के लिए मैंने ये मंगाया था, मम्मी मेरा आ जाएगा कपड़ा, ये ड्रेस देखिए कैसा लग रहा है, पैक करके दिखा दो। मैं कह रही क्या इसका पहनू की इसको इसे कब जब जब अरे यार जब अरे यार जब यार जब यार जब यार 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 क्या होता है बर्थडे पे। और हमने एक अलैसी पैक कर लिया है, अभी पति देव का कपड़ा नहीं, अरे ये साड़ी मैंने मंगाया है पहले, अभी सब ब्लाउज देख रहा है, रिशा तो गाड़ी ही गाड़ी देख रहा है, स्कूटर। अभी मुझे जाना है, थ्रेडिंग बनवाएंगे और ब्लीच वगैरह फेशियल नहीं कराएंगे, क्योंकि होली है, होली पे तो चेहरा खराब ही हो जाता है, और कुछ नहीं कराएंगे, बस अरे थ्रेडिंग बनवाएंगे। और बने रहिए ब्लॉग के अंदर, थोड़ा सा हम भी कंघी वगैरह कर लेते हैं, करने के बाद मिलते हैं। इसी बीच में पार्सल आ गया, तो गाइस यहाँ देखिए गांव जाने के लिए हमने पार्सल मंगाया है, और इसको हम गांव जाएंगे पहनेंगे, आप लोग देखिएगा क्या क्या पहनते हैं। अभी भैया भी लेकर आए हैं, मेरा तो कल का टिकट था, हम तो सोचे नहीं आएंगे, फिर मैं नीचे मेडिकल वाले को बोल दूँगा सामान लेकर रख लेंगे फिर बाद में पहनेंगे, लेकिन चलिए आ गया। मम्मी पापा से बात कर रही है, पैसा पेमेंट करा रहे हैं तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं। कर लिए हैं और ज्यादा मेकअप नहीं किया, क्योंकि थ्रेडिंग बनवाएंगे ना तो लिपस्टिक जब ये सब बनाती हैं तो फैल जाता है, इसलिए देखते हैं चेहरे का ब्लीच वगैरह भी करवा सकते, नहीं ब्लीच तो नहीं करवाएंगे, होली बाद ही करवाएंगे। और सोनाक्षी का भी बाल कटवाएंगे, अगर ऋषभ का भी कट जाएगा तो उसका भी कटवा देंगे। चलो ऋषभ आओ, दरवाजा से बंद कर दो, कबूतर लगा रहे हैं, और इसका बाल कैसे कटवा समझ में नहीं, बहुत बड़ा बड़ा हो गया ना, कटवाना पड़ेगा। कुछ बताएगी, चलेंगे पार्लर में देखते हैं ना, बने रही ब्लॉग के अंदर, मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, देख सकते हैं ये सबका तो बाल झाड़ रहे हैं ना, बाल ऐसे फैल जा रहा है, इसका बाल इतना लंबा हो गया, इसका भी कटवाना है, देखते हैं तुम पापा साथ चल कटवाएगी है ऋषभ। और इसका तो कटवाना ही, परेशान हो जाती है, अभी भीड़ है, बने रही ब्लॉग के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं आज ये बालों का हत्या हो रहा है, और देखते हैं कैसा कटिंग आता है, और पहले मैं इनके भी ट्राई लेती हूँ, ट्राई क्या है बाल तो। और ये सब कब बोले हैं लड़कों वाले पार्लर में जाइए,
नाची कैसा बाल कटवाओगी? जैसे मैंने पहले कटवाती थी। बैठ गई हैं आप अच्छे हैं और अच्छी पार्लर है, छोटा पार्लर है। तो गाइस यहाँ सोनाक्षी बैठ गई हैं, देख सकते हैं इनका तो आज बालों का है। इतना बड़ा तो मेरा बाल नहीं जितना इसका है। सोनाक्षी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इनका मांग देखो, भी मांग भी सीधा नहीं निकला, देख सीधा निकला है। तो चलिए गाइस इनका बाल कटिंग होगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, आप लोग बने रहिए ब्लॉग के अंदर। तो गाइस यहाँ पर देखिए सोनाक्षी का कटिंग हो रहा है। बहुत लंबे लंबे बाल थे ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। और बोल रही हैं कि क्या बोलते हैं, इसका बाल जो है ना बहुत टाइट है, इसके लिए एक शैम्पू भी बताई है कि ये शैम्पू लगाओगी बाल सही हो जाएगा। तो मैंने बोला, विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बोला अच्छा पाउच वाला है तो बताइए। तो पाउच वाला शैम्पू लिए हैं, एक 5 रुपये का था, 2-10 रुपये लेकर आए हैं। हम कह एक बार बाल शैम्पू करके देखते हैं, अगर मुलायम हो जाएगा तो मैं फिर डब्बे वाला ले जाऊँगी। तो यहाँ धीरे धीरे कटिंग करती रहती हैं अपना, और सोनाक्षी बहुत परेशान रहती है अपने बालों से। तो धीरे धीरे सोनाक्षी का लुक भी आ रहा है, हंस रही हैं, देख सकते हैं। अगली बार तो जब मैं बीने की शादी में जब गई थी तो कुछ घर पे बुलाकर बाल करवाए थे कटिंग, तो वो ख़राब कर दिया था। तो मैंने उनसे वही बोला कि देखिए अच्छा काटिए, मैं इसके बालों से बहुत परेशान रहती हूँ। तो ये पीछे का लेयर कटिंग देखिए, सोनाक्षी का कटिंग हो गया है बालों का, इतना लंबा था एकदम छोटा हो गया है। चमक रही है सोनाक्षी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो शैम्पू कर देते हैं ना, और अच्छी लगोगी। तो गाइस सोनाक्षी का बाल का कटिंग हो गया है, अब मैं थ्रेडिंग बनवाने जा रही हूँ। मेरे तो थ्रेडिंग है भी नहीं, बहुत हल्का, आपसे बनवाए थे ना तभी का बना हुआ है, लेकिन मतलब भारीपन नहीं है, हल्का हल्का है। मैंने कहा था 600 का तेल करके पैसे लगाते तो है। चलिए गाइस बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ थ्रेडिंग बन रहा है और बोल रही है कि आप फेसियल करवा लो। मैंने बोला क्या फेसियल करवाए, अभी होली सामने है, पर एक कलर कलर चेहरा लग जाएगा, होली बाद फेसियल करवाएंगे। यहाँ धीरे धीरे थ्रेडिंग भी बना रही हैं ये मैडम। मेरे भी बहुत हल्के हैं, यहाँ मेरा थ्रेडिंग बन गया है और मैं ये शैम्पू लेकर जा रही हूँ। बोले हैं कि शैम्पू लगाइए आपका बाल अच्छा हो जाएगा। देखते हैं, पहले पाउच वाला ले जाते, अगर सूट करता है तो फिर ले जाएंगे डब्बे वाला। चलो ऋषभ आपका नहीं कटा। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं। यहाँ देखिए लोग कहीं ले जाओ, क्या लोगे? ये आंटी का दुकान है, देखिए आंटी दुकान, देखिए आज फिर देख लिया, पूरा दिखा देते हैं। क्या लोगी? क्या लेंगे? कल जाएंगे हम लोग, गांव निकल जाएंगे, होली में नहीं रहेंगे इस बार। क्या लोगी? क्या आते तो है, अभी स्किप कर देते हैं। अभी देखो शाम को आएगा ये वाली, मेरे चैनल पे आएगा। मम्मी डाल फ्रेंड टेक्स्टी, मम्मी डाल फ्रेंड टेक्स्टी। अच्छा 10 का है। तो गाइस अंकल करे मेरा वीडियो नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। मेरे चैनल का नाम वंदना एंड किट्टू ब्लॉग। हाँ नोटिफिकेशन ऑल पे टच कर दीजिए तो फिर नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ घंटी बनी रहती है चैनल के पास, ऑल पे टच कर दीजिए फिर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ये लोग खरीद लिए हैं, फिर चलते घर पर। तो गाइस मैं घर पर आ गई हूँ उनकी कटिंग करवा कर। मैंने भी शैम्पू किया इनका, और बाल इसका ना बहुत, कितना भी शैम्पू लगा तो ऑयली खूब रहता है। अच्छा तो फैमिली को बता दो, जब बाल कटवा के आते हैं तो क्यों शैम्पू धोते, शैम्पू धोते? हमारे में यही कहा गया कि बाल कटवाने में शैम्पू जरूर करना, क्योंकि कौवा जब नाक देता है तो बाल नहीं बढ़ता है। और फिर कैसा लग रहा है बाल कटवा, खुश हो? खुश है, खुश है। पता नहीं गाँव जाएंगे सब मुझे पहचानेंगे कि नहीं, क्यों? तो गाइस ये रही आज की हमारी छोटी सी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अब हम तैयारी करेंगे, जल्दी से मम्मी का 2 लाख कर दीजिए, 2 लाख कर दीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।